नमस्कार, मैं हूं ममता लांजेवार और रिपोर्टर ऑटो वाली में आपका स्वागत है। इस वक्त हम रायपुर दक्षिण विधानसभा को लेकर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर मुद्दे क्या है, प्रत्याशियों के दावे क्या हैं और आम जनता जो है उसका मूड क्या है। रायपुर दक्षिण से हम प्रत्याशी हैं बीजेपी से बृजमोहन अग्रवाल, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, काफी कद्दावर नेता है बीजेपी के और अगर हम बात करें तो विधायक भी रहे हैं। अब उनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाए हैं, लगातार प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? हम मुद्दों को लेकर जा रहे हैं कि रायपुर शहर का विकास, रायपुर शहर में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, जो पिछले 5 सालों से यहाँ का विकास रुक गया है, उस विकास को फिर से चालू करना है। तो हमको कमल फूल को जिताना है, कमल फूल की सरकार बनाना है। और कांग्रेस के एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव यहाँ से लड़ना नहीं चाहते थे, परंतु उनको ज़बरदस्ती चुनाव लड़वाया जा रहा है। अगर वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते तो फिर ऐसे व्यक्ति को लोग वोट क्यों दें? वो वोट कि जो आपके 24 घंटा 12 महीना 7 दिन आपकी सेवा में है, ऐसे लोगों को आप वोट दें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ और रायपुर का समुचित विकास होगा। सर, आप कह रहे हैं कि सड़क, पानी, बिजली यानी कि विकास के मुद्दों को लेकर जाएं, लेकिन एक अगर हम बात करें तो बवाल जो कटा वो आप प्रचार प्रसार के लिए गए थे और आपने आरोप लगाया कि बैजनाथ पारा में जो है वो आप पे पत्थरबाजी हुई। बीजेपी लगातार हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिकता की बात करती रही है, ध्रुवीकरण की बात करती रही है, क्या लगता है कि ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? मतलब लोग आरोप, मतलब ये बात चर्चा भी, ध्रुवीकरण नहीं है। 80% लोग जिस को बिलोंग करते हैं और उनको अगर उनके ऊपर में हमला हो और लोग ये सोचें कि हम दादागिरी के दम पर लोगों को डरा धमका कर हम वोट ले लेंगे तो ये यहाँ पर संभव नहीं है। और 35 सालों में 40 सालों में किसी ने हिमाकत नहीं की, पहली बार ये हिमाकत की है। तो इस हिमाकत का जवाब देने के लिए हमारे कार्यकर्ता और जनता तैयार है और पूरी तरह हम इसका जवाब देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस मामले में इस बाबत बयान आया था कि भाई उनको कौन वो डर लग सकता है। आप जो कह रहे थे कांग्रेस के गुंडे, वो कह रहे थे, उनके ये शब्द थे कि आपसे बड़ा गुंडा कौन, मतलब उनको आप गुंडा कहना, कांग्रेस के लोगों को गुंडा कहना है, गुंडे का। मैं तो कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश में आतंक फैलाने के लिए लोगों को डराने धमकाने का काम करना और उनके जो गुर्गे हैं उन गुर्गों को पूरा शहर और पूरा छत्तीसगढ़ जानता है, जो सट्टा खिलवाते हैं, जो जुआ खिलवाते हैं, जो शराब बेचते हैं और जो अपनी दादागिरी कर लोगों को डरा धमका कर वोट लेना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने ऐसे गुर्गों को ठेका दिया है कि आपको दक्षिण विधानसभा जिताना है, जितना आपने शराब में, जुए में, सट्टे में पैसा कमाया है वो वहाँ पर लगाना है। और ये तो साबित भी हो गया कि महादेव ऐप सट्टा का पैसा लेकर और भूपेश बघेल जी चुनाव के काम में लगा रहे हैं। और वो कौन है अनवर ढेबर जरा बताएं, कौन है एजाज ढेबर जरा बताएं, और बैद्यनाथ पारा के मदरसा चौक पर हमला करने की जो कोशिश थी पुलिस उनके साथ में थी, हमारी इन्फॉर्मेशन थी। हमारा दौरा कोई गोपनीय नहीं होता है, पहले से पुलिस को सूचना देकर ये दौरा हुआ था। उसके बाद में घटना घटित हुई तो क्या पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री जी का प्रशासन निकम्मा हो गया है? मुख्यमंत्री जी तो मुझे लगता है इतनी वाहियात अब वो विचलित हो गए हैं, अब उनको लगने लगा है कि सरकार नहीं आ रही है, वो हारने वाले हैं और इसलिए वो इतनी घटिया बात करते हैं। उनको तो बोलना चाहिए था हमारे एक विधायक के ऊपर में, जय श्री राम, हमारे एक विधायक के ऊपर में अगर हमला हुआ है, हमारे अगर एक प्रत्याशी के ऊपर में हमला हुआ है तो मैं उनको जेल में भेजूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं, गुंडा बदमाशी करने की किसी को छूट नहीं होगी। और मुख्यमंत्री ने जिस घटिया तरीके से बात की उससे लगता है कि इसके पीछे मुख्यमंत्री जी का भी हाथ है। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जिसने आरोप लगाया महादेव सट्टा ऐप को लेकर 500 करोड़, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स जो हैं उनके साथ फोटो दिखाई दी, रमेश बैस के साथ फोटो है, रमन सिंह के साथ फोटो है, प्रेम प्रकाश पांडे के जो पीए हैं, जो उनके करीबी हैं उनके साथ फोटो है, पीयूष जो है उनके साथ में, तो वो कांग्रेस तो कह रही है कि आप लोगों ने किसी के साथ भी किसी का हो सकता है, आपने बनाया फोटो की, वो ये बोले ना हमने पैसा नहीं लिया, बोला नहीं, उन्होंने बताया ना कि हमने पैसा नहीं लिया, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये बोले ना भूपेश बघेल जी ने, ये बोला कि हमने पैसा नहीं लिया। जयराम जयराम दादा, भूपेश बघेल जी ने किया बोला क्या कि हमने शराब में पैसा नहीं लिया है, हमने सट्टे में पैसा नहीं लिया है, हमने रेत में पैसा नहीं लिया, हमने सीमेंट पे पैसा नहीं लिया है, हमने डीएफए पे पैसा नहीं खाया, वो क्यों नहीं बोलते?
वो खाली आरोप क्यों लगाते हैं कि ईडी और इसका, वो बोले स्पष्ट, क्योंकि उनको मालूम है वो फंसने वाले हैं, वो जेल में जाने वाले हैं और उनके लोग जेल में जाने वाले हैं, प्रमाणित होगा, इसलिए उनमें दम नहीं है कि वो बोले हमने पैसा नहीं खाया। ये कहा जा रहा है सर कि ईडी को आगे करते हैं क्योंकि मुद्दों पे आप लड़ नहीं सकते हैं। तो सर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जहाँ पे बीजेपी का राज हो भ्रष्टाचार हो ही ना हो कहीं भी 100% तो करे ना। ये 15 साल में क्या वो चूड़ी पहन के बैठे थे भूपेश बघेल? 15 साल में अगर हमारे शासन में भ्रष्टाचार हुआ तो एक को भी वो जेल में डाल पाए क्या? एक एक बात भी प्रमाण प्रूफ कर पाए क्या? अगर उनमें दम है तो प्रूफ करके बताए ना। ये आपका चैलेंज है? ये मेरा चैलेंज है और मेरा तो उनको ये भी चैलेंज है कि भूपेश बघेल जी आ जाए मैदान में, दो दो हाथ कर लेंगे। अगर हम ठीक है, बने बने सब कमल में वोट देना है। हम तो चाहते थे कि कल अगर का इलाका है जहाँ पे दंगल होता है तो आप दंगल के लिए चले? हाँ, दंगल के लिए उनको करते हैं क्योंकि इस दंगल में वो हार रहे हैं और इसलिए वो माफिया लोगों का, अनवर ढेबर और एजाज ढेबर जैसे माफियाओं का सहारा ले रहे हैं। सर सवाल इस बात को लेकर भी है कि जैसे आप जगह जगह जा रहे हैं जय श्री राम कह रहे हैं तो आप ध्रुवीकरण के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं? ध्रुवीकरण क्यों? जो इस देश का अधिकांश मतदाता 80% मतदाता है उससे वोट मांगना कौन सा गलत है? 20% के प्रति आपके पास 20% के भी हम चिंता करते हैं। 20% जो है हम कितना विकास कर रहे हैं वो 20% का भी कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है तो 20% को भी मिल रहा है, अगर घर में नल लग रहा है तो 20% को भी मिल रहा है, अगर 12,000 रुपए मिल रहा है तो जातिवादी जनगणना की बात वो करते हैं। हम तो कहते हैं कि जो गरीब है वो सब जातियों में है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू। प्रधानमंत्री तो आगे कभी अपने आपको ओबीसी कह रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि वो तो है ना, हम ओबीसी तो नहीं देखे, हम ओबीसी का भी विकास करते हैं, हम पिछड़े का भी, हम आदिवासी का भी, हम हरिजन का भी, हम सवर्ण का भी, सबका विकास करते हैं और कांग्रेस खाली जातिवाद में बांटने का काम करती है। सर आपने हमेशा हिंदुत्व की बात की है, महंत रामसुंदर दास जो है वो आपके सामने है, महंत है, कितना चैलेंजिंग मानते हैं? वो कोई चुनौती नहीं है, मैं तो कांग्रेस को चुनौती मानता हूँ और भूपेश बघेल अनवर ढेबर और एजाज ढेबर इनकी दादागिरी के दम पर, इनके पैसे के दम पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। महंत जी तो चेहरा है, जो व्यक्ति कहता है कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मुझे जबरदस्ती चुनाव लड़ाया जा रहा है, उसको जनता क्यों वोट देगी? अच्छा एक दो सवाल मेरे और, जब हम एग्जाम देते हैं तो आपको याद होगा एग्जाम के पहले नींद नहीं आती थी और ये लगता था क्या हो, तो आप जो बृजमोहन अग्रवाल है उनको रात को नींद आ रही है, उड़ी हुई है, नतीजा क्या होगा या फिर होमवर्क आपका तगड़ा है? मैं तो 12 महीना और 24 घंटा काम करता हूँ, इसलिए मेरी नींद उड़ी हुई नहीं है, नींद तो उनकी उड़ी हुई है जो हमला करवाने की कोशिश करते हैं। लीड क्या होगी आपको लगता है, क्या दावे हैं आपके? लीड क्या होगी आपको? पहले से ज्यादा होगी। अच्छा पहले चरण के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? पहले चरण के चुनाव में भी बीजेपी 2/3 सीटें जीत रही है और दूसरे चरण के चुनाव में भी 2/3 सीटें जीतेगी। लाल टीका आप भी लगाते हैं, लाल टीका मोहन जी को भी लगाया जा रहा है, नतीजे आने के बाद लाल टीका अनवर और अकबर लगा ले, लाल टीका एजाज लगा ले, उसके बाद में बात समझ में आएगी। मतलब दिवाली आपको आपकी होगी 17 अक्टूबर के बाद? दिवाली हम 12 को भी मनाएंगे, 17 को भी मनाएंगे, 3 को भी मनाएंगे और 23 जनवरी को भी मनाएंगे। रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल, उनका दावा है कि वो जो है यहाँ पर लीड ले रहे हैं और पहले से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, लेकिन अब हम महंत रामसुंदर दास है उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दावे क्या है और इसके साथ लोगों से भी बातचीत करेंगे। महंत रामसुंदर दास हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रायपुर दक्षिण से और उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि इसके पहले आपने कब ऑटो में सवारी की थी? बहुत पहले मैं किया था ऑटो में सवारी। कितने साल हुए होंगे? 21 साल पहले। 20 साल पहले जी। तो आज तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब याद आ रहा होगा 20 साल पहले, अब अच्छा लग रहा है या फिर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए सर कि किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से मुझे कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस सभी वरिष्ठ जनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे उन्होंने प्रत्याशी बना के जनता के बीच भेजा है। सभी कांग्रेस जन हम लोग एक साथ मिलकर रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के
हैसियत से 5 साल जो विकास कार्य किए हैं, कांग्रेस सरकार का जो विकास कार्य हुआ है, उसी बात को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और उनका बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको मिल रहा है। अब मुझे आशा ही ने पूरा विश्वास है कि 17 तारीख को जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो कांग्रेस के पंजा छाप पक्ष में लोग वोट डाल के आएंगे। जब आप प्रत्याशी के तौर पे अब उतरे हैं तो आपको क्या लगता है कि कितना भरोसा कर पाएंगे? मुझे पूरा भरोसा जनता के बीच में है, जनता के ऊपर है और जनता को पूरा भरोसा मेरे ऊपर है, क्योंकि दुहाधारी मठ में रह करके, शिवनान मठ में रह करके, जैतू साव मठ और राजू लोचन जगन्नाथ मंदिर में सेवा कर रहा हूँ और मेरे सेवा कार्य से भक्तगण प्रसन्न हैं और बोलते भी हैं कि ये कार्य हुआ, ये कार्य अच्छा हुआ। और 2 बार मैं विधायक रह करके भी जनता जनार्दन का सेवा मैं किया हूँ विधानसभा क्षेत्र में, तो उन सब बातों को देख करके, वहाँ जो विधानसभा मेरा क्षेत्र में सेवा कार्य हुआ है उन सब को देख करके जनता आकलन कर रही है और जनता ने मन बना लिया है कि इस समय कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेंगे और मैं उनका सेवक बनूंगा और सेवक बनकर मैं सेवकाई करूंगा। लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो लास्ट तक ये बात चलती रही कि आप यहाँ से लड़ना नहीं चाहते थे और अब तो जब ये इस तरह की बात कही जा रही है बीजेपी की, आपके ऊपर तो सीट थोप दी गई है, तो आखिर तक जो है आपका मनोबल उसी तरह से है कि नहीं मैं तो लड़ना नहीं चाहता था, मुझे वो सीट मिल जाती तो? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, मैं कांग्रेस के एक सिपाही हूँ। बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं मैं एक कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं अभी जनता के बीच में हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बृजमोहन जी को अपने जनता को समझाना चाहिए, उन्होंने 7 बार सांसद विधायक रहे, 7 बार रायपुर की जनता ने उन्हें अवसर दिया है, तो वो क्या किए हैं 7 बार में वो अपने जनता को वो बताएं और कांग्रेस क्या क्या है उसको हम लोग बता रहे हैं। जी पहले चरण के जो चुनाव हुए हैं सर, पहले चरण के चुनाव को लेकर क्या लग रहा है आपको? जो भी संदेश आ रहा है उसके तहत कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छी स्थिति है और कांग्रेस की सरकार दोबारा बन रही है और 20 विधानसभा में से हम बहुत अच्छी स्थिति में पिछले समय जैसे थे वैसे इस समय भी पिछले समय ज्यादा सीट लेकर के आ रहे हैं। ये जो घटनाक्रम हुआ है कि बृजमोहन अग्रवाल बैजनाथ पारा से जा रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया कि मदरसे से उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, उन पर हमला हुआ। प्रत्याशी को अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से निर्बाध रूप से उनको जनता के बीच में जाना चाहिए और जाते भी हैं और जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। और क्या कुछ घटना हुआ इसके विषय में मुझे विस्तार से जानकारी तो नहीं है, लेकिन यदि ऐसा कोई घटना हुआ है तो वह गलत है, नहीं होना चाहिए और क्योंकि प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आपको लगता है कि आपकी पूरी तैयारी है, क्योंकि आप तैयारी कहीं और से कर रहे थे? नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, पूरे टीम और पूरे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, अकेला प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है और पूरे दमखम से हम चुनाव लड़ रहे हैं और अपने बात को बहुत संजीदगी के साथ और मतदाता हमारी बात को सुन भी रहे हैं और मन बना लिए हैं कि 17 तारीख को जब वो मतदान करने जाएंगे तो अपने मताधिकार का उपयोग कांग्रेस के पक्ष में, पंजा छाप के पक्ष में वो बटन दबा करके आएंगे। आपको क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा हावी नहीं रहेगा? देखिए, चुनाव में कभी भी हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा आना ही नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने, कांग्रेस की रीति नीति और कांग्रेस ने क्या कुछ काम किया है, कांग्रेस भविष्य में क्या कुछ करेगी उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और विपक्षियों को भी अपने मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए, उसे कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस या फिर हिंदू मुस्लिम का कहीं कोई बात ही नहीं है। जी, इजाज़ जेबर खड़े थे, मतलब उम्मीद कर रहे थे, प्रमोद दुबे जो है वो उम्मीद कर रहे थे, आप उनसे मिलने के लिए भी गए थे, हमने दिखाया भी था, आपने वोट उनसे सहयोग की अपील भी की, लेकिन एक बात और कही जा रही है कि कहीं ना कहीं एक सामने अलग बात है, और भी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, कन्हैया अग्रवाल उम्मीद लगाए थे, गुटबाजी का असर देखने में मिलेगा आपको लगता है, आपके साथ खड़े हो गए हैं वो? सबके साथ एक साथ मिल करके हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। वैसे रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से 32 कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया था और 32 लोग यहां से टिकट चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और कांग्रेस सभी वरिष्ठों ने मुझे प्रत्याशी बनाया तो सब एकजुट होकर के हम लोग मैदान में हैं और सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और सबके सहभागिता से मुझे आशा ने पूरा विश्वास है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा का सीट कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस झोली में जाएगी। मतलब आपको लगता है कि जो अभी आरती उतार रहे हैं, पैर छूते हुए दिखते हैं, स्वागत करते हुए दिखते हैं, आपको लगता है कि नतीजे वाले दिन जो है वो यही नजारा रहेगा? निश्चित रूप से 17 तारीख को जब जाएंगे
तो मैं महंत हूँ इसलिए नहीं, मैंने जो सेवा कार्य दो विधानसभा में दो बार रह करके किया हूँ और जो मैं मठ मंदिर सेवा कर रहा हूँ, इन सब बातों को ध्यान में रख करके कांग्रेस ने 5 साल में जो कार्य किया है जनहित का, माननीय भूपेश बघेल जी ने जो कार्य किया है, इन सबको ध्यान में रख करके वो अपने मताधिकार का उपयोग कांग्रेस पक्ष में करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार दोबारा बनने जा रही है ऐसे हर सर्वे के द्वारा आ रहा है। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का भी प्रतिनिधि उस बनने वाले सरकार में सहयोगी बने, ये सब हमारे मतदाता चाह रहे हैं और उसके तहत कांग्रेस की जीत होगी। एक आखिरी सवाल है सर, हालांकि मैंने जो है वो दूसरे तरीके से पूछा था बाकी प्रत्याशियों से कि एग्जाम का समय आपको याद होगा कि जब एग्जाम का समय होता था तो परीक्षा के एक दिन पहले काफ़ी डर लगता था कुछ दिनों पहले, और सपने भी उसी तरीके से आते थे कि ये पेपर छूट गया, ये सवाल छूट गया, या दूसरा पेपर याद करके चला गया था और दूसरा आ गया था, इस तरह के सपने आते हैं और घबराहट भी होती है। तो आप दोनों तरह से पूछूंगी, एक तो ये कि महंत हैं आप, तो जो साधु सन्यासी का जो जीवन जीना चाहते हैं वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके होते हैं, हानि भी ठीक है लाभ भी ठीक है, दोनों ही तरह से मैं पूछूंगी आपसे कि पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको डर लग रहा है, घबराहट होती है या फिर? एक बात आपने मेरे से बहुत अच्छा पूछा है कि साधु संतों को किसी भी लाभ हानि से कहीं कोई विशेष प्रभाव पड़ता नहीं है। हम तो उस सिद्धांत में चलते हैं कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, अब विधि के विधान जान हानि लाभ सही है, उस सिद्धांत को लेकर के मैं चलता हूँ और उसी सिद्धांत लेकर के मैं सेवा कार्य भी करता हूँ। रही सवाल चुनाव की, तो कांग्रेस में प्रत्याशी हूँ और पूरे ईमानदारी के साथ अब मनसा वाचक कर्मणा समर्पित होकर के मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे कहीं कोई डर नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है, मुझे इस प्रकार कहीं कोई स्वप्न भी नहीं आता है। मैं भगवान राम को समर्पित हूँ। जब मैं मठ मंदिर चार दीवार के अंदर रहता हूँ, भगवान बालाजी का, रघुनाथ जी का, गौ माता का सेवा मैं अपने आप को समर्पित रखता हूँ, और चार दीवारी से मठ के चार दीवार से बाहर जब मैं निकलता हूँ तो जनता जनार्दन की सेवा में मैं अपने आप को सम्मिलित कर लेता हूँ। बीजेपी की छत्तीसगढ़ में 15 साल तक के सरकार रही, माता कौशल्या जिन्होंने भगवान राम को 9 माह तक अपने उदर में रखे और उन्होंने इस धाराधाम पर उन्हें प्रादुर्भाव यहाँ लाए, उन माता कौशल्या का विश्व का एकमात्र मंदिर छत्तीसगढ़ के चंदपुरी में है, रायपुर से लगा हुआ, कोई आजकल का नहीं है वो मंदिर, वो सदियों सदियों से है, लेकिन भाजपा की सरकार में एक ईंट भी वहाँ नहीं रखा गया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार बनी, सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उसको इतने अच्छे ढंग से सजाया संवारा है कि केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारतवर्ष नहीं, देश विदेश के लोग वहाँ देखने के लिए जाते हैं, भक्तगण, कि माता कौशल्या का जन्मभूमि है तो है कैसा, देखने के लिए जाते हैं, उसको सजाया संवारा गया है। गौ माता के छत्तीसगढ़ में गौ माता सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, ये सोच करके माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रत्येक गाँव में गौठान बनाने काम किया जा रहा है। 11,000 गांव में गौठान बनकर तैयार है और 4,000 गौठान तो ऐसे हैं जो स्वावलंबी हो गए हैं। वहां के महिला समूह के माताओं को गोबर खरीदने के लिए या फिर गौमूत्र खरीदने के लिए पैसा देना नहीं पड़ता शासन को। उसी प्रकार से इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार अपने 14 वर्ष के वनवास काल का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। उन जगह चिन्हांकित किया गया है जो 75 स्थान हैं। प्रथम चरण में 10 स्थानों को विकसित किया गया है, जो हर चौका सीतामढ़ी, ये आपका कोरिया जिले में है, और शिवरी नारायण, खरौद, तुरतुरिया और राजिम, सिरपुर, चंपारण, सिहावा पर्वत और आपका जगदलपुर और रामाराम, ऐसे 10 स्थानों को प्रथम चरण में विकसित किया गया है। और तो इस प्रकार के राम का कार्य हो रहा है। तो जो व्यक्ति को राम का नाम लेते हैं वो अच्छा है कि जो व्यक्ति राम का नाम भी लेता है और राम का कार्य भी करता है वो अच्छा है? इसको तो जनता को तय करना है, जनता तय करेगी। आखिरी सवाल है मेरा सर कि लीड क्या रहेगी आपको लगता है, दोनों की, कांग्रेस की भी और आपकी, आपकी विधानसभा की? मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले समय से 2018 से ज़्यादा बहुमत से और ज़्यादा विधायकों के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी और रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता भी सम्मानजनक लीड दे करके मुझे अपना सेवक बनाएगी और विधानसभा भेजेंगे।
तो ये है महंत राम सुंदर दास, तो जो रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी हैं, और उनका दावा है कि राम का नाम लेना अलग बात है, राम की सेवा करना अलग बात है, और सदा वो राम काज करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि सिर्फ राम के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर भी वो लोगों के बीच में जाएंगे, ध्रुवीकरण जैसा कोई मुद्दा होगा वो मानते नहीं है। तो जाहिर तौर पर देखने वाली बात ये होगी कि किन मुद्दों को लेकर जो है वो जनता जो है उनके साथ जाती है, और क्या नतीजे निकलते हैं ये तो आने वाली बात होगी। लेकिन हमने दोनों ही प्रत्याशियों से जानने की कोशिश की।